केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को शिवपुरी अशोकनगर और ग्वालियर क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से बिगड़े हालातों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से बात की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल संभाग के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर नजर रखे हुए हैं। इसके तहत ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बाढ़ग्रस्त जिलों के कलेक्टरों से कहा कि जो भी बाढ़ से लोगों की धन जन फसल और पशुओं और ग्रस्तियों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे शीघ्र कराया जाए, साथ ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी दौरा करें। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। तो एक प्रॉब्लम है चर्च में और दूसरा है नरवर में। जी नरवर में है बात है, वो अभी संख्या लगभग 311 हो गई। अभी मैं और एसपी साहब ये गुलाबल में है, गुलाब कैंप के लिए आए हैं और जो कोई भी विषय का है कहीं भी मदद की जरूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।